नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ बचपन से लेके उसकी तीसरी सीरीज है, तीसरा पार्ट है। तो अभी तक जैसे मैंने बताया था, मैं वुडलैंड स्कूल में था 4th to 8th क्लास तक। उसके बाद मैं 8th से पास करके 9th और 10th क्लास मैंने हल्द्वानी में एक स्कूल है, ABM पब्लिक स्कूल, वहाँ पर पास किया। वहाँ पर मेरे अच्छे दोस्त बने, कुछ दोस्त अभी भी हैं, उसमें से एक दिनेश सुयाल बहुत अच्छा दोस्त है, जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा। और वहाँ के किससे 2 साल पढ़ाई करी, पढ़ाई में ही टाइम निकला 6 महीने, तो हमारा स्कूल बंद था। उस समय उत्तराखंड आंदोलन का माहौल था। यहाँ पे एक किस्सा वहाँ का शेयर करता हूँ मैं, उसके बाद सीधे आपको 11th 12th को ले चलूँगा। तो ABM पब्लिक स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था। एनुअल फंक्शन में 11th में एक बुक हुआ करती थी, उसमें महाराणा सांगा, मीराबाई और महाराजा भोज, इनकी कहानियाँ थी। तो उसमें मुझे महाराणा सांगा का रोल दिया गया था। तो वह एनुअल फंक्शन का एक किस्सा बहुत प्यारा सा है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। उसमें मुझे रोल महाराणा सांगा का मिला था, और करीब 2-3 पेज के डायलॉग थे उसमें, बहुत लंबे लंबे। सबसे ज़्यादा रोल मेरा ही था महाराणा सांगा का। तो वो रोल मैंने किया, तो जिसमें रिहर्सल हो रही थी या उसके बाद स्टेज परफॉर्मेंस से पहले मुझे तैयार किया जा रहा था। तो मैं वही 9वां पढ़ने वाला बच्चा कितना होता है साइज का, तब बनाया मुझे महाराणा सांगा गया था। तो उसमें मेरे हाथ पतले पतले से थे, तो यहाँ पे राजा के जो लगाते हैं मोतियों की माला वो लगाई जा रही थी, मुकुट पहनाए जा रहे थे और मालाएँ पहनाई जा रही थी, पतली सी बॉडी, बिल्कुल नीचे धोती, ये सब पहन के रेडी होके वो हमने शो किया। हमारे गांव के भी बहुत लोग आए थे उस शो को देखने के लिए वहाँ पे एनुअल फंक्शन में। और क्योंकि वो गांव का इलाका था स्कूल, जो ABM पब्लिक स्कूल है, फतेहपुर नाम का इलाका पड़ता है, वहाँ पे था। तो वो शो इतना सुपर हिट गया, पूरा इंग्लिश में था, करीब आधे घंटे का। गांव वालों को इतना पसंद आया कि उन्होंने 11th में तो हमने किया ही किया, नहीं 9th में तो किया ही किया, 10th में दोबारा अगले साल उन्होंने बोला वो शो दोबारा करवाना, बहुत अच्छा लगा हमको। तो हमने 2 बार वो एनुअल फंक्शन में वो शो किया अपना। तो उसमें ये है कि एक तो जब पहना रही थी मैडम मुझे यहाँ पे मोतियों की माला, ये बोले तुम महाराणा सांगा का रोल कर रहे हो, इतनी पतली सी बॉडी है, जैसे जैसे चलो मुझे तैयार किया। तो उसके बाद जब शो ख़त्म हो गया रात को, फिर हम लोगों को प्रिंसिपल मैम ने बोला कि वहीं रुक जाओ, हमारे घर में, स्कूल के पास ही उनका घर था। रात हो गई थी एनुअल फंक्शन में काफ़ी, तो हम 7-8 बच्चे जो दूर के थे उन्हीं के वहाँ पर रुक गए। तो अब मेरे जो कपड़े थे वो स्कूल में थे, और हम लोग रुके थे मैडम के घर में। तो मेरे पास पहनने के लिए कुछ कपड़े नहीं थे, मतलब वही साड़ी जो पहनी थी मैंने महाराणा सांगा की, वो थी। तो अब पहनूं क्या रात को, तो 9th में बच्चे ही होते होंगे, बच्चे ही होते हैं, मतलब बच्चे। तो एक लड़की थी, उसका कार की थी, वो कार की थी, तो उसका वो था नीचे जो स्कर्ट्स लड़कियाँ पहनती वो था। तो मैम ने बोला 5-6 बच्चे हो तुम ही, बच्चे हो, ये धोती उतार और ये स्कर्ट पहन ले। तो मैं वो स्कर्ट पहन के पूरी रात मैम के वहाँ पे 5-6 बच्चे हम लोग सोए थे, रात के 5-6 बच्चे सोए थे। और स्कूल थोड़ी दूरी पे था, तो अगले दिन सवेरे फिर वो स्कर्ट पहन के पैदल पैदल स्कूल की तरफ को गए, और फिर स्कर्ट बदल के फिर पैंट शर्ट पहन के फिर सवेरे घर आए। तो ये याद रहती है कि मुझे लाइफ में रात को सोने के लिए महाराजा वाली साड़ी उतार के स्कर्ट पहननी पड़ी थी और चलना पड़ा था। ये किस्सा 10th का, 9th 10th में इतना ही, और ज़्यादा कुछ नहीं था, और पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक कर लेते थे। उसके बाद आया मैं 11th 12th में, हल्द्वानी में स्कूल है एक गुरु तेग बहादुर, श्री गुरु तेग बहादुर, वहाँ पर आया। वहाँ पर काफ़ी दोस्त बने, कुछ दोस्त अभी भी मेरे साथ हैं, उनमें से आप बहुतों को जानते हैं, जैसे मनोज उप्रेती, मुकेश त्रिपाठी और दीपक रसीला, ये सब मेरे वहीं वहीं के दोस्त थे 11th 12th गुरु तेग बहादुर के। गुरु तेग बहादुर में आके थोड़ा प्रेशर पड़ गया था 10th के बाद कि पढ़ाई ढंग से करनी, पढ़ाई तो खैर उतनी ढंग से हम कभी कर ही नहीं, लेकिन वहाँ के भी एक दो किस्से शेयर करता हूँ। थोड़े लड़ाकू वाले किस्से वहाँ के मुझे बहुत याद आते हैं, वो बार बार मेरे दोस्तों के बीच में जिक्र भी होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 2-3 हैं, वो थोड़े पंगे वाले ही हैं टीचरों से, ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, जल्दी से बता दो। हमारी क्लास में एक हिंदी की मैडम थी, उनका नाम शांति था, शांति मैम थी हिंदी की, ठीक है। एक बार हिंदी की क्लास चल रही थी, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, वो मुझसे थोड़ा चिढ़ा रहती थी, चिढ़ी हुई रहती थी, पता नहीं क्यों। उन्होंने क्वेश्चन पूछा मुझसे, तो मैंने आंसर दिया,
तो उसके बाद वो बोली कि तुम्हारा आंसर गलत है। फिर वो जैसे मारने आ देती किसी को गलत आंसर देने में, तो उनकी बड़ी स्टाइल होती थी। पहले वो अपने हाथ से अपनी वॉच निकालती थी, फिर दो तीन उन्होंने चूड़ियाँ पहनी होती थी वो निकालती थी, फिर कड़ा निकालती थी और उसके बाद मारती थी। तो मेरे आंसर देने के बाद भी उन्होंने कहा कि तुमने गलत आंसर दिया है। तो मैम मेरे पास आती है, वो स्टाइल, वॉच निकाली, चूड़ी निकाली, एक दो कड़े निकाले और मारने के लिए हाथ ऐसा करा मेरी गाल की तरफ। तो मैंने मैम का हाथ पकड़ दिया। अब आप भले ही मुझे अच्छा बच्चा बोलो बुरा बच्चा बोलो, हाथ पकड़ दिया। तो वो बोली तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने टीचर का हाथ पकड़ ले हो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, ऐसे करके बोली। तो मैंने कहा मैम मैंने सही आंसर दिया है, क्लास में हमारे इतने बच्चे हैं, आप किसी से पूछ लो अगर मेरा आंसर गलत है तो, तब मैं मार खाने को तैयार हूँ। तो उन्होंने लगी छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो हाथ, मैंने पटक दिया उनका हाथ, आगे डेस्क होता है उसमें हाथ लगा उनका। चुपचाप उन्होंने अपनी चूड़ियाँ उड़ियाँ पहनी, कड़े पहने, वॉच पहनी, सीट में जाके बैठ गई। बोला पापा को बुला के लाना आपने। मैंने कहा ठीक है, हो गया। और मेरा आंसर सही था, उसके बावजूद उन्होंने ऐसे किया था मेरे साथ। एक ही टीचर का, हिंदी की टीचर का पंगा याद रहता है हमेशा, और एक हमारी प्रिंसिपल मैम थी गुरु तेग बहादुर की, चड्डा मैडम, उनके साथ हुआ था। हुआ ऐसा कि जाड़ों के दिन हो गए थे और कोट पहनना, हमारा जो ब्लेजर होता है वो पहनना अलाउ वो कर दिया था, कंपलसरी कर दिया था कि पहन के आना है। तो मैं एक दिन पहुंचा, ऐसी साइकिल से जाता था स्कूल, साइकिल से स्कूल के गेट पे था, तो मैं उस दिन पहन के नहीं गया था जबकि कंपलसरी हो गया था, मैं स्वेटर में था। तो मैडम बोलती है, साइकिल रखी मैंने साइड में, फिर मैम बोलती है तुम क्लास के अंदर स्कूल के अंदर नहीं आ सकते। मैंने कहा क्यों मैम? तो तुमने ब्लेजर कहाँ पहना है अपना, कोट कहाँ है तुम्हारा? मैंने कहा मैम सॉरी कल से पहन के आ जाऊँगा, आज भूल गया, स्वेटर पहनी हुई है, ठंड भी उतनी नहीं हो रही है। तो बोली नहीं जाओ आप घर जाओ। मैंने फिर गेट के अंदर देखा तो बहुत सारे बच्चे स्वेटर में घूम रहे थे। तो मैं प्रिंसिपल मैम से बोला मैडम अंदर तो बहुत बच्चे घूम रहे हैं। तो बोली तुम्हें क्या मतलब? तो मैं 11th में था, तो मैंने बोला मैम जब तक आप सारे जो अंदर बच्चे हैं स्वेटर में उनको गेट से बाहर नहीं निकालते हो तब तक मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं अंदर ही जाऊँगा, आप मुझे रोक नहीं सकते। तो मैं अंदर को जाने लग गया। तो प्रिंसिपल चड्डा पीछे से मुझे चिल्लाते हुए बोल रही हे यू, अपने प्रिंसिपल का कहना नहीं मान रहे हो, क्लास में जाके चुपचाप खड़े हो जाना, मैं आती हूँ अभी। तो मैं गया क्लास में चुपचाप। हमारे स्कूल में जगह कम थी तो कभी कभी जो है क्लासेस के अंदर ही प्रेयर होती थी, मतलब बड़े जो बच्चे हैं क्लास के अंदर ही खड़े रह सकते हैं, तो क्लास के अंदर ही प्रेयर होती थी। क्लास के अंदर प्रेयर वगैरह हुई और उसके बाद प्रेयर ख़त्म हो गया, क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो फर्स्ट क्लास चल ही रहा था, करीब आधा घंटा हुआ था, तो प्रिंसिपल आती है। हाँ, और उसने मुझको बोला था कि क्लास में खड़े रहना, लेकिन मैं बैठा था। तो मुझसे बोलती है बैठे कैसे हो, खड़े हो जाओ। मैंने कहा मैम मेरी गलती, वही बातें रिपीट हुई सारी। मैंने कहा मैं इसको गलती मानता नहीं, बोला पापा को बुला के ले आके। ठीक है पापा बुला के, तो पापा को तो कभी बुलाया नहीं। और ये दो पंगे मैंने वहाँ पे मेरे साथ गुरु तेग बहादुर में हुए थे। और एक किस्सा और है, 11th में जो था, अब वो हिंदी वाली मैम भी चिड़ी हुई थी, हमारी क्लास टीचर थी। हम बच्चों को, बहुत से बच्चों को, मैं पढ़ने में बहुत उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब भी 30-40 बच्चे थे तो उसमें एवरेज 13वें 14वें नंबर पे आता हूँ। किसी एक सब्जेक्ट में 11th में ग्रेस मार्किंग मतलब रोक दिया था, फेल कर दिया था, और बोला था कि पेरेंट्स को बुला के लाना है। और फेल मार्कशीट कभी घर में दिखाई नहीं थी, तो मार्कशीट जिस दिन मिली थी उसी दिन फाड़ दी थी। अब 12th में एडमिशन देना है स्कूल वाले, ठीक है, तो अब पापा को बुला के ले गए, मजबूरी थी तो ले गए पापा को बुला के। क्लास टीचर वही हिंदी वाली मैडम थी जिन पर मैंने हाथ उठाया था, हाथ मतलब इनका पटका था, उनके पास मौका था। उन्होंने बीच ग्राउंड में पापा के सामने मेरे गाल में जाके से चाट का है हमारा, वो मार्कशीट का है दिखाओ। मैंने कहा मैम खो गई मार्कशीट। लेकिन चलो, फिर उसमें जितने बच्चे थे ज़्यादातर को रोका ही था, फिर पास 11th में पास कर दिया, 12th में हमारा एडमिशन हो गया था। तो सब बच्चों के सामने एक चाटा खाया वो याद है। प्रिंसिपल मैम ने बोला था कि रुक जाओ, नहीं रुका, अंदर गया, उसे भी उड़ गया। क्योंकि यहाँ पर गलती होती है ना, वो मुझसे कभी सहन नहीं होता, बचपन से लेकर आज तक यहाँ पर गलती होती है वो बिल्कुल भी सहन नहीं होते। तो ये कारण था। इसमें आप मुझसे भले ही बोल सकते हैं ऐसे किस्से,
तुम अपने आप को ज़्यादा हीरो समझ रहे हो इसलिए सुना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये घटनाएं घटी हैं और मतलब गवाह के तौर पे मेरे दोस्त को पता ही है उनको सबको कि मैं ऐसा था और ऐसा हुआ 11th 12th में। यूट्यूब में समय भी कम रहता है इसलिए मैं ज़्यादा किस्से इसमें सुना नहीं सकता, और ये थोड़ा सा देखते हुए एक बात और बताता हूँ, आगे मैं कॉलेज के किस्से सुनाऊंगा वो बहुत अच्छे हैं, उसके बाद मैंने PGDCA कर रहा है वो उसके किस्से हैं, MBA के किस्से हैं और बहुत से दोस्तों के किस्से हैं, सुनाते रहूँगा और उम्मीद करूँगा कि किस्से आपकी लाइफ में भी घटते होंगे और आपको भी मन करता हो कि कोई सुने, तो मैं भी शेयर कर रहा हूँ अपने किस्से दोस्तों के साथ। और 11th 12th में गुरुदेव बहादुर, एक किस्सा मुझे याद है, एक कोई उसी इलाके में गुंडा हुआ करता था, उसका नाम था विनय पाल, अभी भी दिखता है वो, आजकल वो बकरे बकरे ये सब मुर्गे वगैरह काटने का काम करता है, लेकिन उस टाइम पे हम देखा था एक बार गुरुदेव बहादुर के आगे भाई साहब तलवार लेके, नंगी तलवार लेके वो दौड़ रहा था किसी को मारने के लिए हमारे स्कूल से आके, नंगी तलवार लेके बीच सड़क में, हाईवे था वो नैनीताल रोड को जाने वाला रास्ता अल्लाह से, और वो तलवार लेके दौड़ रहा है जिसको मारने के लिए दौड़ रहा है, वो बेचारा आगे दौड़े जा रहा है और पूरी गाड़ियाँ जहाँ के तहाँ खड़ी हो गई हैं, जाम लग गया है, लोग पब्लिक उसको देख रही है, और उसके बाद मैं पहली बार गुंडागर्दी ऐसे देखी कि ऐसे भी होती है कि तलवार लेके जो फिल्मों में देखते हो रियल में भी होता है। तो विनय पाल भाई लोकल का था स्कूल के बगल का, तो कुछ दिनों बाद हमारे क्लास में भी बच्चे आते थे वहाँ से, तो उनसे दोस्ती हो गई थी, हाथ तो हाथ मिलाते थे, अब किसी गुंडे से दोस्ती टाइप की हो गई थोड़ा, मैं ऐंठ में रहते थे कि हाँ भैया हमारी तो इससे दोस्ती है, कुछ पंगा हो जाएगा तो कभी इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अब देखो लाइफ उस स्टेज में आ गई है कि वो भी सुधर गया है, वो भी बदमाश हुआ करता था वो भी सुधर गया है, और फैमिली पालने के लिए वो भी है बकरे काटने का और ये मुर्गी वुर्गी काटने का काम वहीं पे चौराहे पे करता है ईमानदारी से, है हट्टा कट्टा बिल्कुल सांड लेकिन वो काम करता है। तो ये कुछ किस्से, एक दो किस्से मैंने जल्दबाजी में सुनाए हैं आपको, 10th का किस्सा वही वाला स्कर्ट वाला, उम्मीद है थोड़ा अच्छा लगा होगा, और टीचर्स का हिंदी वाली मैम का, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया, और चड्डा जी प्रिंसिपल जो थी वो, फिर 12th में जैसे तैसे पास हो ही गए थे, फिर अब हमारे बगल में ही खालसा कॉलेज था, उसका कुछ किस्सा है नहीं, आगे के किस्से फिर मैं आपको अगले उसमें सुनाता हूँ, इसमें मैं बहुत सारे गांव के किस्से भी छोड़ रहा हूँ वो भी शेयर करूँगा, एक छोटी सी बात और शेयर कर लूँ, 11th 12th में ही सही, 11th 12th से स्टार्ट हो गया था हमारा, क्या था ज़मीन थी थोड़ी बहुत करीब 8.5 बीघा यहाँ पे, तो खेती वगैरह हम किया करते थे, तो एग्ज़ाम टाइम जो मई जून में एग्ज़ाम होते हैं ना उसी टाइम पे गेहूं की फसल कटती है, तो किसान का बच्चा होने के नाते इतना प्रेशर आदमी पे ज़रूर होता है कि उसको हम लोग खुद, मैं मेरा भाई बहन मम्मी पापा और भी गांव के लोग मिलके मतलब खुद उस टाइम पे खुद गेहूं काटते थे, गेहूं को इकट्ठा करते थे, गेहूं की मड़ाई करते थे, गेहूं को अंदर रखते थे साफ़ करके, फिर जो भूसा होता था उसको गाय भैंसों के लिए अलग से रखते थे, इतना काम करने के बावजूद हम उस टाइम पे एग्ज़ाम देते थे, ये बहुत बड़ा प्रेशर किसान के बच्चे पे ही होता है और किसी सर्विस क्लास या किसी बिजनेस क्लास फैमिली में नहीं होता, तो ये सब करते हुए भी एग्ज़ाम देना और पास होना ठीक ठाक से, ये हर किसान के बच्चे के लिए मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो लाइक तो ज़रूर करना कि किसानों के बच्चे के लिए किसानी करते हुए पढ़ना बहुत कठिन होता है। आगे मैं कॉलेज की बातें बताऊंगा, उसमें तो और दिक्कतें आई थी, ये तो खाली 11th 12th का था, उसमें तो मैंने BSc की थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरे सब्जेक्ट थे, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी द्वारा सुनाई गई कहानी आपको पसंद आई होगी, कुछ अगर मुझसे कमियाँ हो रही हैं तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आगे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, आप अच्छी कहानियाँ शुरू होंगी क्योंकि जैसे ही 12th ख़त्म होता है और अपना कॉलेज स्टार्ट होता है फिर तो कहानियाँ ही कहानियाँ बहुत ही अच्छी, तो मैं आगे भी आपको सुनाते रहूँगा, उम्मीद है मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर करना, कमेंट्स करना, लाइक करना, और सब्सक्राइब करने वालों से मैं ये बोलूँगा जो मेरे खास दोस्त हैं प्लीज़ औरों से भी इसको सब्सक्राइब करवाना, मैं इस फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, थैंक यू, आगे मैं फिर आऊँगा अगला एपिसोड, मतलब कॉलेज के में जो मेरी कहानी है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी ये कहानियाँ, आपकी जो कहानियाँ कुछ हैं वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, वो मैं इसमें
बोलूँगा जरूर। ठीक है, इसी के साथ आपसे आज विदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।